हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया इनवाइट्स कंट्रीज टू जॉइन बायोफ्यूल अलायंस। तो क्या है, चलिए देखते हैं। इंडिया फ्राइडे इनवाइटेड कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ टू जॉइन द रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सेइंग इट इज़ विलिंग टू शेयर इट्स एक्सपर्टीज विद डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड नेशंस। तो इंडिया बोल रहा है कि हम अपने जो भी एक्सपर्टीज है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। आप प्लीज़ आइए और बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करिए। अ ग्लोबल अलायंस फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल वॉज लॉन्च एट दी ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स मीटिंग इन सेप्टेम्बर। मतलब ये ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स क्या हो गया, G20 मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। मीटिंग इन सेप्टेम्बर विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग एमिशन इन अ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विच इंक्लूड्स टॉप प्रोड्यूसर्स ब्राजील एंड द US will help build the world wide market for trade in biofuel which is obtained from biomass। तो इससे एक चीज, बायोफ्यूल किससे आया, बायोमास से। ठीक है, हो गया। स्पीकिंग एट द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये हमने देखा, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सेड इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ मिक्सिंग 10% इथेनॉल इन पेट्रोल इन May 2022, 5 months अहेड ऑफ द डेडलाइन। तो 5 महीने पहले ही डेडलाइन से इंडिया ने ये अचीव कर लिया था। एंड हैज़ एडवांस द डेडलाइन फॉर डोपिंग 20% इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 5 years टू 2025। तो आप देखिए, 10% इन्होंने कर लिया इंडिया ने अचीव, अब 20% इंडिया को अचीव करना है बाय 2025। तो यहाँ से आप ढंग से देखें तो इनटू ये डबल हो जाएगा। और ये क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, ये हो गया। टर्निंग बायोमास इनटू फ्यूल हैज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर एज वेल एज कट एमिशंस। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे एडिशनल इनकम हुआ और एमिशंस को भी हमने कट किए। कौन से एमिशंस? कार्बन एमिशंस को। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज विच इज इंटेंडेड टू एक्सपाइड ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल। द अलायंस प्रेजेंट हैज 22 मेंबर कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। आई इन्वाइट कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, दोज हु हैव ऑलरेडी नॉट जॉइन द GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, टू जॉइन अस वेयर वी कैन कोलेबरेट टुवर्ड्स अ क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर। पूरी सेड क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर, आप देखिए क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज नीड टू डिस्कशन ओपन सिक्योर एंड इक्विटेबल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल सेड ऑन फ्राइडे। स्पीकिंग एट द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ही सेड द पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव शोन द फ्रेजिलिटी ऑफ ग्लोबल supply chain. We would like to discuss ways and means for countries of the global south to cooperate and act together to make our supply chain open, secure, trusted, stable and equitable, he said. Meanwhile, Economic Affairs Secretary Ajay Seth said Friday that India stands ready to share its technology capability relating to digital public infrastructure DPI and knowledge resource for empowering the people of the global south. Seth said and another focus area of the Indian presidency is the role of technology in south transformation and economic empowerment. So yahan pe ab dekh lete hain exam point of view se hamare liye kya kya cheeze important ho jati hai. Dekhiye, biofuel hamare liye important ho jata hai, theek hai. Ab jab biofuel important ho gaya to G20 mein India ne propose kiya tha global biofuel अलायंस। इसके कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए 22 मेंबर्स कौन है। ठीक है, एक तो ये चीज़, दूसरा इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, इंडिया ने कितना अचीव किया है, 10% इंडिया ने अचीव कर लिया, कब, May 2022 में। इंडिया को अभी कितना करना है, 20% अचीव करना है, कब, 2025 तक। तो अभी इसको डबल कर देना है। इसका फायदा क्या होता है,
एमिशंस में हो जाते हैं, और फार्मर का ये इनकम बढ़ जाता है। ठीक है,